नमस्कार। फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन में अगला सवाल हमारे एक सब्सक्राइबर मशरूम फार्मिंग के नाम से है। वो सवाल पूछते हैं, सर फ्रेश एयर हमें कब देनी चाहिए, दिन में देनी चाहिए या रात में देनी चाहिए? सो फ्रेश एयर अपने आप में एक बहुत बड़ी डिस्कशन है। इसका सबसे पहले तो हम ये डिस्टिंग्विश करेंगे कि आपका फार्म एसी है कि आपका फार्म आप सीजनल फार्मिंग कर रहे हैं। अगर एसी फार्म है तो आप जब मर्जी फ्रेश एयर दे सकते हैं, कोई मैटर नहीं करता। अगर आपका फार्म सीजनल है, जैसा कि आप देख रहे हैं नवंबर चल रहा है और अभी उतनी ठंड नहीं आई जितनी होनी चाहिए थी, अभी बाहर दिन में गर्मी होती है, टेम्परेचर उतना डाउन नहीं गया जितना हमें चाहिए था, तो अवॉइड करें कि आपको दिन में फ्रेश एयर ना देनी पड़े, आप रात को फ्रेश एयर दें। इन सीजनल फार्म अगर आपका एसी फार्म है तो कोई मैटर नहीं करता, आप जब मर्जी फ्रेश एयर दें। डिपेंड फिर फर्दर मोर ये डिपेंड करता है आपकी बटन मशरूम की प्रोडक्शन कितनी ज्यादा है। मोस्टली कुछ लोग कुछ समय के लिए फ्रेश एयर देते हैं, चाहे एक घंटा चाहे दो घंटा, ऐसा नहीं है। जब आपका बटन डेवलप होता है, बटन डेवलपमेंट स्टेज पे आ जाता है, आपका पूरा रूम भरा होता है, मैक्सिमम CO2 प्रोड्यूस होती है एट दैट टाइम, क्योंकि फंगस रिस्पायर करती है, बहुत ज्यादा CO2 प्रोड्यूस होती है, तो उसको हटाने के लिए हमें चाहे थोड़े थोड़े आर के लिए, बट हमें कॉन्टिन्यूस फ्रेश एयर देनी चाहिए। अदरवाइज एक बार अगर आपके बटन को झटका लग गया हाई CO2 का, तो उसका रिस्पॉन्स आपको 2-3 दिन बाद नजर आएगा। सो इसके ऊपर मैं एक कंप्लीट वीडियो बना चुका हूं, आप चैनल पे जाके उसे देख सकते हैं। कंटेंट अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।